चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में काफी लंबे समय के बाद लोगों को सलमान खान और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री एक बार फिर से दर्शकों को देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यह फिल्म 2012 की सुपरहिट फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। इस फिल्म के सेट से आए दिन कोई ना कोई ऐसी तस्वीर लीक हो जाती है जो इस फिल्म के लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी है। हाल ही में इस फिल्म के सेट पर सलमान खान की एक तस्वीर इंटरनेट पर लीक की गई है जिसमें सलमान खान काफी हैंडसम नजर आ रहे। इस तस्वीर में सलमान खान के साथ एक और कलाकार भी नजर आ रहा है जिसे देख के लग रहा है कि यह इस फिल्म में एक आतंकवादी का किरदार में नजर आएगा। कुछ दिन पहले फिल्म के सेट से एक तस्वीर लीक हुई थी जिसमें लिखा था यह वही जगह है जहां फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होना है। कुछ दिन पहले सलमान खान ने DNA को बताया कि वो 15 दिन के लिए मोरक्को जाएंगे। इसके बाद अबू धाबी में फिल्म की शूटिंग 40 दिन के शेड्यूल पर खत्म करेंगे। आपको बता दें कि मोरक्को में शूटिंग खत्म हो चुकी है, अब वो अबू धाबी में फिल्म की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिलहाल तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि टाइगर जिंदा है के सेट से सलमान की लेटेस्ट तस्वीर आपको कैसी लगी।